आज हम सीखने वाले हैं फोटोशॉप के अंदर लिक्विफाई इफेक्ट किस तरीके से करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक फोटोशॉप पहले से खोला हुआ है। हमारे पास एक इमेज है, मैंने ये इमेज डाउनलोड कर रखी है। ये इमेज हम यहाँ कर ड्रैग करके यहाँ लाएंगे इस तरीके से। ये PNG इमेज है। लाने के बाद हम यहाँ पर इस इमेज को रास्टराइज कर लेते हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट से हटा लेते हैं। करने के बाद हम थोड़ा सा इमेज को हल्का सा कंट्रोल टी का इस्तेमाल करके बड़ी कर सकते हैं। कंट्रोल टी करने के बाद हमने कुछ इस तरीके से इमेज को बड़ा कर लिया है, देख सकते हैं दोस्तों। अब हम इस इमेज की के बस जो पीछे है ना, पीछे वाला पोर्शन है इमेज का, जो बैकग्राउंड है, हम इसका अच्छा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। मैंने यहाँ पर एक लेयर बनाई न्यू, उसके अंदर हमने ग्रेडियंट टूल का इस्तेमाल किया, कलर डाला। अब यहाँ से हम इसको ले लेते हैं ऑप्शन को, यहाँ से हम कलर चूज़ कर सकते हैं कोई एक जो आपको अच्छा लगे। मैं कुछ इस तरीके का कलर लेके चल रहा हूँ, स्काई ब्लू। और यहाँ से इस कलर की ओपेसिटी है आप उसको 100% कर दिएगा ताकि इसका बैकग्राउंड आपको सही से दिख सके, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम इस बैकग्राउंड वाले लेयर को पीछे ले जाएंगे इमेज के, कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड जो है बन चुका है। अब इस इमेज की हम कंट्रोल जे का यूज़ करते हुए कॉपी बनाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पर कॉपी बन चुकी है। वरना आप इस इमेज का यहाँ से जाने के बाद नीचे ड्रैग करेंगे तो ये ऑप्शन है, यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग कंट्रोल जे का इस्तेमाल करते हैं लेयर की कॉपी बनाने के लिए। इसके बाद करने के बाद हम इमेज में जाएंगे। इमेज में जाने के बाद हम यहाँ जाएंगे एडजस्टमेंट, और आप यहाँ देख सकते हैं नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ब्लैक एंड वाइट। हम इस इमेज का ब्लैक एंड वाइट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारी ये इमेज जो है ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है। इस किसी भी सेटिंग को नहीं छेड़ना और इसको ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं आपकी इमेज यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट हो चुकी है। ब्लैक एंड वाइट होने के बाद हम क्या करने वाले हैं, ये इमेज ब्लैक एंड वाइट होने के बाद हम जाएंगे फिल्टर में। फिल्टर में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा नीचे लिक्विफाई, इसका शॉर्टकट की होता है शिफ्ट कंट्रोल एक्स। आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो भी इस ऑप्शन पे आ सकते हैं। वैसे हम जाएंगे इसी वाले ऑप्शन पे लिक्विफाई। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं एक पैनल खुला है। फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, फॉरवर्ड वेब टूल को। उसको करने के बाद हम इस ब्रश को थोड़ा छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको अच्छा लगे करें। मैं इस तरीके से यहाँ पर इस ब्रश को थोड़ा बड़ा करता हूँ और इस इमेज को कुछ इस तरीके से कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से। थोड़ा बेटर हो सकता है, एक मिनट, कंट्रोल जेड का इस्तेमाल करके हम वापसी जा रहे हैं। यहाँ से लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये करने के बाद हम यहाँ पर हिट ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अच्छा सा इल्यूजन बन गया है, आपका पीछे वाला बैकग्राउंड दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके की ट्रिक इस्तेमाल कर आप लिक्विफाई इफेक्ट के साथ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।